कहते हैं किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना हो तो वहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को एजुकेट करो, क्योंकि एक समझदार औरत पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तत्पर रहती है। एक स्ट्रॉन्ग, आत्मनिर्भर, पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ नहीं है। महिलाएं इस समाज के निर्माण का आधार होती हैं। आज विलासन स्पोर्ट्स पर हम आपको मिलवाएंगे 49 साल की एक ऐसी ही महिला से, जिन्होंने सिर्फ 2 साल पहले पावर लिफ्टिंग में कदम रखा और आज नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल्स जीत देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। हेलो, मेरा नाम रंजिता मिश्रा है। मैं एक्चुअली बॉम्बे में रहती हूँ, बट मैं उड़ीसा से एक बरमपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ, 2 times एशिया चैंपियन एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया एंड स्कॉट्स रिकॉर्ड होल्डर। रंजीता जब 20 साल की थी तो वो शादी कर मुंबई आ गई। कुछ समय बाद पति की नौकरी में आई अड़चनों की वजह से उन्हें फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनके पति को मुंबई छोड़ दुबई जाना पड़ा। इन सब कठिनाइयों को अकेले झेल मुंबई में रंजीता डिप्रेस रहने लगी और अपने आसपास नेगेटिविटी को देख उन्होंने अपने आप को फिट और हेल्दी रखने की सोचा और तभी से जिम ज्वाइन कर डांस कर अपने आप को बिजी रखने लगी। जब जिम करते करते मुझे अच्छा लगने लगा, फिर उसके बाद डांस करने लगी, फिर वो थोड़ा बहुत अपने आप को बिजी रखने लगी और मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने लगी। फिर उसके बाद 2015-16 में मुझे एक न्यू इंजरी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अरे इतना सब जिम करने के बावजूद मुझे न्यू इंजरी हो गया है। मैंने सोचा कि क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं एक फिटनेस कोर्स ज्वाइन किया था। 46 साल की उम्र में आकर अगर कोई अपने आप को फिट रखने की सोचता है तो शायद वो योगा या वॉकिंग करना पसंद करे, पर रंजीता ने जिम का हाथ इस कदर पकड़ा कि फिर कभी छोड़ ना सकी और इस उम्र में आकर उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पावर लिफ्टिंग को प्रोफेशनली चूज कर अपना करियर बनाने की सोचा। इसी बीच वो अपनी मेंटोर से मिली, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में कैसे आगे बढ़ना है इसकी सलाह दी। उनके कोच का भी मानना है कि रंजीता अपनी उम्र के लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, पावर लिफ्टिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फर्स्ट थिंग, इंजरी से नहीं डरना है, कोई चीज से नहीं डरना है, आपको एथलेटिक होना है तो हर इंजरी से मुकाबला भी करना पड़ेगा। बीच में कुछ भी हो सकता है बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। मैंने उनको साइन किया, हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं रंजीता मिश्रा जी को पिछले 8 साल से जान रहा हूँ। मैं खुद प्राउड करता हूँ उनके ऊपर, जो मेरी वो स्टूडेंट है और पिछले 1 साल से वो मेरे अंडर ट्रेनिंग ले रही है पावर लिफ्टिंग की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनका एज अभी 49 है, 49 ईयर्स ओल्ड में भी उन्होंने जो अचीवमेंट किए उसके लिए उनके लिए हैट्स ऑफ है। वो 3 times उन्होंने एशिया चैम्पियनशिप जीता है, 2 times वो स्ट्रॉन्ग वुमन रह चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। रंजीता ने जब पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी तो वो बिना प्रैक्टिस के भी 100 किलो की स्क्वाट्स और 55 किलो की बेंच प्रेस अच्छे से कर पा रही थी। इस उम्र में इतनी स्ट्रेंथ देखकर सब यही कहते थे कि रंजीता बहुत आगे तक जाएंगी। सबकी उम्मीद को आगे कायम रख रंजीता ने मंगोलिया में एशियन विमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, नेशनल लेवल पावर लिफ्टिंग लखनऊ में सिल्वर, स्टेट विमेन पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीत ये साबित कर दिया कि जीवन में इतना संघर्ष करना चाहिए कि आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बने। रंजीता मिश्रा's younger son, अभिषेक मिश्रा। I would like to give few words for my mother. So my mother is an Indian powerlifter. She has represented India in Asias, and I'm very proud of it. She has been into sports, and I'm not even 1% into sports. I hope the country and is as proud as we are. Asia, जो कि मंगोलिया में हुआ था, यहाँ से -30 degree centigrade climate था।
मेरा फर्स्ट एशिया था वहाँ पे 2018 दिसंबर मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि मैं एक तो नई हूँ यहाँ से और दूसरी बात जबकि मेरे एशिया के लेवल के लिए मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में बट होप मैं गई और वहाँ पे मैंने फर्स्ट थिंग मेरा एक तो गोल्ड मेडल आया और उसके बाद मैंने स्कॉट्स में रिकॉर्ड किया जो कि स्कर्ट्स में आज तक लेडीज लोगों ने 90 किलो तक स्कर्ट्स किया था मैंने वहाँ पे 122.5 स्कर्ट्स करके उन सबका रिकॉर्ड तोड़ा था अभी फिलहाल जो 2021 में जो सबसे मेन गेम है वो वर्ल्ड चैंपियन है जो साउथ अफ्रीका में अक्टूबर में होने वाला है मैंने वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड देखा हुआ है जबकि 160 तक स्कॉट्स मास्टर्स में जो कि 40-50 एज ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं जो 140-160 का उन लोग का स्कॉट्स है मैंने पिछले साल 2019 में देखा था तो अभी तो फिलहाल मैं 140 तक स्कॉट्स किया हुआ है और मैंने थोड़ा बहुत वेट गेन किया है 4-5 किलो ताकि मैं अपना पावर बढ़ा सकूँ मेरा स्ट्रेंथ गेन कर सकूं तो जो कि वर्ल्ड चैंपियन में 160 किलो का स्कर्ट्स है और होपफुली मैं वो उस तक वो लेवल तक पहुंच पाऊं और मैं इंडिया के लिए अच्छा खासा वर्ल्ड से मेडल ले पाऊं उसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूं आई थिंक मेरा रेगुलर 3-3 घंटा जिम होता है और पूरा वीकली 6 डेज मैंने स्कर्ट्स डेडलिफ्ट बेंच करती हूँ ताकि वर्ल्ड चैंपियन में जीत सकूँ रंजीता की नी इंजरी के बाद परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें जिम और डांस ना करने की सलाह दी जैसा कि अक्सर हम बढ़ती उम्र के लोगों से कहते हैं कि अब उम्र हो गई है इस उम्र में ये सब मत करो पर रंजीता ने सबसे एक ही बात कही कि ये मेरा पैशन है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं मैन के लिए मैं यही कहूंगा कि आई थिंक ये उनका पेशेंस है और विल पावर है जो पावर लिफ्टिंग एंड डांसिंग दोनों एक साथ करते बिकॉज ये दोनों भी डिफरेंट फील्ड है बट ये उनका प्यार है ये उनका पैशन है और इसलिए वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं क्योंकि पावर लिफ्टिंग इज अबाउट स्ट्रेंथ एंड डांसिंग इज अबाउट फीलिंग एंड यू नो फ्लेक्सिबिलिटी बट मैम ने मुझे नहीं काफ़ी लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है सो वी शुड लर्न दिस थिंग अक्सर हमने सुना है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें हमारी डाइट का खास ध्यान रखना होता है और कुछ लोग तो स्टेरॉइड्स तक लेते हैं पर क्या वाकई इन सब की जरूरत होती है सब लोग को लगता है कि मैं पावरलिफ्टर हूँ तो मैं मेरा बॉडी देख के सबको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ बहुत ज्यादा ये कुछ सप्लीमेंट्स लेती हूँ कोई स्टेरॉइड लेते बहुत जन मुझे पूछते हैं मैं कि तू इतना वेट कैसे उठा देती है कुछ स्टेरॉइड लेती है कुछ सप्लीमेंट्स लेती है कुछ एनाबोलिक लेती है मैं बोली मैं एक उड़ीसा की एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ घर का खाना मीन्स मेरे घर से मैं सिर्फ चावल दाल खा के ही बड़ी हुई हूँ और मैं सबको कहना था जो चावल दाल में जो ताकत होती है ना वो जो रॉ स्ट्रेंथ होती है खुद की स्ट्रेंथ होती है वो बाकी कहीं भी नहीं है तो ये सब दिमाग से लेडीज लोगों को ज्यादातर हटा देना चाहिए कि हम लोग को स्ट्रेंथ गेन के लिए करना है तो प्रोटीन खाना चाहिए BCAA लेना चाहिए स्टेरॉइड लेना चाहिए सप्लीमेंट्स लेना चाहिए जो एफर्ट नहीं कर सकते ना कोई जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें सिर्फ डिटर्मिनेशन एंड विल पावर एंड फोकस ये तीन चीज चाहिए लाइफ में जो कि तुमको कुछ भी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं किसी भी औरत को अगर उसका परिवार आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है तो वो दुनिया जीत सकती है रंजीता ने भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो आज इस मुकाम पर है
रंजीता मानती हैं कि अगर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिले तो वो और आगे जा सकती हैं। आज वो कई टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रही हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप। फ्यूचर में रंजीता का सपना है कि आगे चलकर वो ज्यादा से ज्यादा औरतों को ट्रेन कर सके, ताकि देश की हर औरत अपने अंदर की नारी शक्ति को पहचान सके। She is doing great and she has won 2 Asia champion gold medals and looking forward in world level. I have never ever stopped supporting all the passion she has about the fitness and the world level championship she is practicing every day. I will continue to support, I will continue to morally, emotionally, mentally guide her and to facilitate her to achieve the goal at world level championship. रंजीता कहती है कि किसी को भी ये मत कहने दो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। अगर तुम्हारे मन में चाह है, विल पावर स्ट्रांग है, तुम करना चाहते हो, ये चीज को हासिल करना चाहते हो, तो एज कोई बड़ी बात नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है। एज इज ओनली ए नंबर, एक संख्या है।